वहां जनता आक्रोश में। तस्वीरें शामली की हैं, जयंत चौधरी अखिलेश यादव मंच पर साथ साथ। नेताओं को तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। कल ही देश का बजट आया, कहते हैं अमृत काल का बजट है, अमृत बजट है, तो पिछले जितने भी बजट थे वो क्या जहर थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि हम शब्दों के खिलवाड़ से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। अमृत काल का बजट अमृत बजट कहना, पिछले जो भी बजट थे वो जहर समान थे क्या? और अगर हम सही मायने में देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी देखिए क्या है, गरीबों के लिए हीरे सस्ते किए हैं, चप्पल जूते सस्ते किए हैं। कितने गरीब को लाभ होगा हीरा अगर सस्ता हो जाएगा तो? जूते चप्पल सस्ते किए, और सच तो यह है कि रोजगार को लेकर के और अपनी परेशानी को लेकर के लोगों के जूते घिस गए हैं, एक भी परेशानी का ये निराकरण नहीं कर पाए हैं। इसलिए जहां भारतीय जनता पार्टी निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही, नकारात्मक राजनीति कर रही है, गठबंधन भाईचारा को लेकर के आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि शामली में भाईचारा का स्तंभ बनेगा, तीनों के तीनों प्रत्याशी गठबंधन के ऐतिहासिक जीत जीत करके जाएंगे। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं जनता को, जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने वादे किए उन वादों को पूरा करेंगे। सबसे बड़ा यहाँ के कर्मचारियों की मांग हमेशा रही कि ओल्ड पेंशन बहाल हो। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।